Hey there, you're listening to the Quint. नमाज पढ़ के आ रहा था वो मजदूरी करके, हाँ हाँ, जिनकी गाड़ी चलाता था उनकी गाड़ी खड़ी करके आ रहा था, 50 रुपए मालिक से लेके अपने बच्चों में आ रहा था वो, उसके गोली लग गई सर, हादसा हुआ उसके साथ। मुजफ्फरनगर के नूर मोहम्मद नमाज अदा करके लौट रहे थे, अचानक सड़क पर गोलीबारी शुरू हो गई। एक गोली नूर मोहम्मद को लगी। नूर को पहले मुजफ्फरनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन जख्म गहरा था, लिहाजा उन्हें मेरठ हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। वहां पहुंचने पर नूर को मृत घोषित कर दिया गया। बीता एक हफ्ता उत्तर प्रदेश नूर की तरह कम से कम 18 लोगों की मौत देख चुका है, उनमें 8 साल का एक बच्चा भी शामिल है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें एक बात कॉमन है, पहला ये कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, दूसरा सभी की मौत गोली लगने से हुई है। यूपी से आगे बढ़कर अगर देश की बात करें तो CAA के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 25 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम मचा है उत्तर प्रदेश में। सवाल उठता है कि इसकी क्या वजह है और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, प्रदेश में इतना तनाव क्यों है और हिंसा क्यों हो रही है। क्विंट ने यह जानने के लिए खुद ग्राउंड जीरो पर जाने का फैसला किया। आप सुन रहे हैं द बिग स्टोरी पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट वैभव पलनीटकर। क्विंट हिंदी पर हम बिग स्टोरी पॉडकास्ट में एक जरूरी खबर आपके लिए लेकर आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि आप उसके हर पहलू से वाकिफ हो सकें। आज बिग स्टोरी में हम बात करेंगे CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शनों की हिंसा पर। क्विंट के रिपोर्टर शादाब आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की क्या है जमीनी हकीकत। वहाँ प्रोटेस्ट जब करने लोग जमा हुए, वो प्रोटेस्ट अचानक वो जो है वो किसी को नहीं पता, ना पुलिस ये बताती है ना लोग बताते हैं कि कहाँ से पत्थर चले क्या हुआ, लेकिन अचानक वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। इसके अलावा आपको सुनाएंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, CCTV के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे। हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पक्ष सुनाएंगे। 263 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 57 पुलिसकर्मियों को फायर आर्म्स की इंजरीज हुई हैं। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप बिग स्टोरी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट्स, गूगल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई, जियो सावन और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी।